तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से 10th क्लास का टॉपिक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी हर लाइन में आपको बुक में अगर आप पढ़ते हो तो आपको वन लाइनर मिलते हैं जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं 100%। मायोपिया का नहीं आएगा, हाइपरमेट्रोपिया का आएगा, कोई ना कोई सही जरूर आना ही आना है 10th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए, CBSE की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मायोपिया क्या है? मायोपिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें आदमी को दूर का नहीं दिख पाता। क्लियर, मायोपिया एक ऐसा डिजीज है, एक विजन का ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आदमी को दूर का क्लियर नहीं दिख पाता। पास का क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, दूर का क्लियर नहीं दिख पाता। अब छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी है। आप लोग जब नोट्स बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें, मायोपिया में आदमी को दूर का नहीं दिखता, इसको दूर का क्लियर नहीं दिखता। और अगर इसको दूर का नहीं दिख रहा तो इसकी जो साइट है, जो इसकी दृष्टि है, जो इसकी नजर है, वो सिर्फ पास पास की हुई, नियर साइट हुई, शॉर्ट साइट हुई। तो मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस हुआ करता है। पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया गया था व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मायोपिया, तो आंसर इज नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, जो भी आपको सही लगे। ओके, डेफिनेशन क्या बनेगी अगर डिफाइन करने को कहता है मायोपिया? अ डिफेक्ट ऑफ विजन, अ डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person can see nearby object, nearby object देख पा रहा है but cannot see distant object clearly, या फिर मैं इसको far away object कह सकता हूँ, but cannot see distant objects clearly, दिखता तो है दूर का। इस डिजीज को क्या करते हैं? इज कॉल्ड मायोपिया, इसको बोला करेंगे हम लोग मायोपिया। कई बार हम मजाक में कह दिया करते हैं, बेटा तेरी नजर कहाँ की कमजोर है, दूर की, तो मैं उसको कहता हूँ आ जा बेटा देख वहां देख, उसको सूरज दिखा देता हूँ, दिख रहा है सर, मैंने कहा और कितनी दूर का देखा सर, कांड आएंगे। लेकिन ये मजाक की बात होती है, दूर का जो दिखता है वो क्लियर नहीं दिखता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को, मैं समझता हूँ मेरे से 30-40-50 सेंटीमीटर से दूर का ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता हो शायद, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, जब भी मायोपिया है इसका मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा, तो जो इमेज बना करेगी वो रेटिना से पहले बनेगी। नॉर्मली जो इमेज बना करती है वो रेटिना पे बना करती है, नॉर्मल पर्सन की, इसकी बना करेगी रेटिना से पहले। दूर का नहीं दिख रहा तो रेटिना से पहले बनेगी, पास का नहीं दिखता जो कि हाइपरमेट्रोपिया में होगा, उसमें रेटिना के बाद बना करेगी। ओके, अब मैं बात करता हूँ इमेज कहाँ बन रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, अच्छी बात। अब इसमें इमेज कहाँ बनती है, तो मैंने आपको बोला इसमें दूर का नहीं दिख रहा, इसका मतलब इमेज बना करेगी रेटिना से पहले। इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। आज मेरी थोड़ी आवाज खराब हो रही है, गला बैठा हुआ है। बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बना करेगी इसकी इमेज। अब एक बात और सोचना, रेटिना से पहले बनने के क्या रीजन हो सकते हैं? आपकी नॉर्मली आई बॉल ये हुई, ये मान लीजिए लेंस हुआ, आगे कॉर्निया हुई, नॉर्मल जो इमेज बना करती है वो बनती है रेटिना पर, ये नॉर्मल पर्सन के लिए है। मैंने बोला इसकी इमेज कहाँ बनी? बिफोर रेटिना। बिफोर रेटिना बनने के केस क्या हो सकते हैं? जो लेंस की फोकल लेंथ थी वो छोटी हो गई हो, बिफोर रेटिना का मतलब तो यही हुआ, यानी जो फोकल लेंथ है वो कैसी हो गई लेंस की, आई लेंस की, डिक्रीज। एक केस तो ये हो सकता है कि फोकल लेंथ आपकी छोटी हो गई हो। दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि जो इमेज है, मान लीजिए इधर रेटिना, ये बनती इमेज यहाँ रेटिना पर, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी तरीके से आपकी रेटिना पीछे खिसक गई हो। रेटिना पीछे खिसकने का मतलब है
आपकी आई बॉल की अगर आप ध्यान से देखें लंबाई तो बढ़ गई है, यानी कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, सॉरी इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो मायोपिया के दो रीजन, पहला फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ का छोटा हो जाना, ये दूसरा रीजन फोकल लेंथ उतनी है उसी जगह बनती, रेडेटिना जो है यहां से खिसक के पीछे पहुंच गई है इतनी दूर। अब पीछे पहुंचने का मतलब आपकी आई बॉल पहले के मुकाबले लंबी हो गई है, तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और फोकल लेंथ का डिक्रीज होना, ये दोनों में से कोई एक रीजन इसका हो सकता है। पिछली बार एग्जाम में, मेरे ख्याल में पिछले से पिछली बार था एग्जाम में, क्वेश्चन आया था व्हाट आर द कॉज ऑफ मायोपिया, तो आपने लिख देने हैं इसके कॉज, कॉज क्या होंगे मायोपिया के, नंबर वन इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का लंबा हो जाना, नंबर टू या तो फिर फोकल लेंथ का डिक्रीज हो जाना, बात एक ही है फोकल लेंथ डिक्रीज। कुल मिला के दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इमेज रेटिना से पहले बनेगी। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात, मायोपिया मतलब इस व्यक्ति को दूर का नहीं दिख रहा, पास का क्लियर दिख रहा है, और अगर इसे पास का क्लियर दिख रहा है इट मींस इसके नियर पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो नियर पॉइंट होगा नॉर्मल पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसके लिए भी नियर पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस इसका नियर पॉइंट भी 25 सेंटीमीटर होगा। ओके फार पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को दूर का नहीं दिख रहा, पहले कोई नॉर्मल पर्सन था उसको यहां तक दिखता था, ये उसका फार पॉइंट था मींस इन्फिनिटी था, अब उसको यहां का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, थोड़ा यहां दिख रहा है, तो उसका फार पॉइंट जो पहले इन्फिनिटी पे था वो पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम यहीं तक दिख पा रहा है बिना किसी स्ट्रेस के, तो इसका जो फार पॉइंट है वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाया करता है। किसका फार पॉइंट, जिस पर्सन को मायोपिया है, मुझ जैसे अंधे काणे को मायोपिया है, तो मेरा भी जो है फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो जाया करता है। अब अगर बात पूछी जाए रेंज की, रेंज कहां से कहां तक होगी, तो भैया रेंज 25 से लेके लेस देन इन्फिनिटी तक होगी जहां तक आपका फार पॉइंट है। मतलब रेंज होती कहां से कहां तक है, जहां तक आप क्लियरली देख पाओ बिना किसी स्ट्रेस के, मीन्स नियर पॉइंट टू फार पॉइंट। ओके अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा करेक्टिव लेंस यूज किया करते हैं मायोपिया के केस में। मायोपिया में एक बात ध्यान रखना, इसको दूर का नहीं दिख रहा, डी से दूर, डी से डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, डाइवर्जिंग लेंस मींस कॉनकेव लेंस। वैसे भी आप सोच सकते हो कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हो कि जो इसमें इमेज बन रही थी वो बन रही थी बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले, और मेरे को क्लियर इमेज तब बनेगी, क्लियर इमेज तब दिखाई देगी अगर वो रेटिना बनती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपका आई लेंस हो गया, ये कॉर्निया हो गया, रे बन रही है बिफोर, इमेज बन रही है सॉरी बिफोर रेटिना, यहाँ बन रही है आपकी इमेज। क्लियर इमेज बनने के लिए आपकी इमेज बननी चाहिए थी ये रेटिना पर, तब आपको क्लियर दिखता, तो इस जगह पे रेज मिलानी है, पहले ही मिल जा रही है, इसका मतलब आपको रेज को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, पहले मिल गई मिलानी आगे है, थोड़ा सा इसको दूर कर देंगे, दूर करने का मतलब आपको रेस को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो आपको आंख से पहले एक डाइवर्जिंग लेंस जिसे हम कॉनकेव लेंस बोल दिया करते हैं, कॉनकेव लेंस आपने एक यूज करना है जो रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। अब थोड़ा सा डाइवर्ज करने का मतलब हुआ करता है ये जो लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है ये आप सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, मीन्स सुटेबल पावर का आप फोकल लेंथ का जो लेंस यूज करेंगे, तो इसके लिए करेक्टिव लेंस कौन सा हुआ करता है, तो आंसर है इसके लिए करेक्टिव लेंस हुआ करता है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस, और कौन सी पावर का, आंसर है सुटेबल पावर का, जो भी इसको सूट करे, हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। इसकी नेचर कैसा है इस लेंस का, तो डाइवर्जिंग इसका नेचर है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे डाइवर्जिंग नेचर का हुआ करता है। क्वेश्चन क्या बनेंगे, मायोपिया की डेफिनेशन, मायोपिया का दूसरा नाम, नियर साइटेड और शॉर्ट साइटेडनेस का दूसरा नाम, और इसका फार पॉइंट कितना होता है, इसके रीजन क्या है, इसमें इमेज क्या बनती है, इसके लिए करेक्टिव लेंस कौन सा यूज करते हैं, करेक्टिव लेंस का नेचर कौन सा होता है, या फिर इसका रे डायग्राम बनाएं, तो इससे अलग इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा मायोपिया में। ओके
जब मैं मायोपिया पढ़ लेता हूँ तो मेरे को सेम टू सेम बस थोड़ा सा अलग करना है मेरे को, हाइपरमेट्रोपिया है, सेम टू सेम। इसमें आदमी को दूर का नहीं दिख रहा था, पास का दिख रहा था, उसमें आदमी को पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। अच्छा, उसमें पास का नहीं दिख रहा हाइपरमेट्रोपिया में, मींस उसका नियर पॉइंट चेंज होगा, फार पॉइंट वही रहेगा क्योंकि उसे दूर का क्लियर दिख रहा है। इसमें इमेज बन रही थी रेटिना से पहले, उसमें बना करेगी रेटिना के बाद। अब रेटिना के बाद बनने का मतलब फोकल लेंथ जिसमें कम हो रही थी उसमें ज्यादा हो गई हो, या फिर मैं कहूँ रेटिना अपनी जगह से थोड़ा सा आगे खिसक गया है हाइपरमेट्रोपिया में। अब रेटिना आगे खिसकने का मतलब आपकी आई बॉल छोटी हो गई, तो कॉज हो गई आई बॉल का छोटा होना या फिर फोकल लेंथ का इंक्रीज हो जाना। नियर पॉइंट उसका मोर देन 25 होगा, 25 से कम तो किसी को नहीं दिखता, ज्यादा दिखेगा। फार पॉइंट में उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्टिव लेंस की बात करेंगे क्योंकि उसमें इमेज बन रही है, बाद में मिलानी है रेटिना पे, तो आपको पहले ही उन रेज को मिलाना पड़ेगा, यानी कि रेज को आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो कन्वर्ज करने के लिए आप कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करेंगे सुइटेबल पावर का। तो ये मायोपिया था। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो नोट्स आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल नोट्स और कुछ नहीं है। एग्जाम में अगर आपको लिखने को आया करता है आप इतना भी लिख देंगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने के लिए मैं समझता हूँ हिचकेगा नहीं। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिजीज जिसमें आदमी को पास का नहीं दिख रहा, इसका मतलब दूर का दिख रहा है, इसकी जो साइट है वो फार साइट है, फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। अगर क्वेश्चन पूछ ले इसके नाम दूसरे तो आप लिख सकते हैं फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो ये क्या है, ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज देख पाता है पास की नहीं देख पाता। इसका रीजन, इसमें इमेज का बनती है, इमेज बनेगी आफ्टर रेटिना, रेटिना के बाद बनेगी, मायोपिया पहले बनी थी इसमें रेटिना के बाद बनेगी। रेटिना के बाद बनने का मतलब इसमें कॉज आ जाएंगे आपके, या तो रेटिना आगे खिसक गया, रेटिना आगे खिसकने का मतलब है आई बॉल आपकी छोटी होगी साइज में। दूसरा रीजन रेटिना के बाद बनने का, रेटिना तो वही था, इमेज बाद में बनी, इसका मतलब फोकल लेंथ जो पहले इतनी थी वो इंक्रीज हो चुकी है। इसके कॉज इंपॉर्टेंट है, इमेज का बनती है डेफिनेशन आप देख लेंगे, इसमें इमेज बना करती है आफ्टर रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना, रेटिना के बाद बना करती है इमेज। ओके, नंबर टू, इसमें कॉज क्या है, कॉज बिल्कुल उसके उल्टा, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल का छोटा हो जाना, आई बॉल का छोटा होने का मतलब रेटिना आगे खिसक गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसमें, दूसरा रीजन इसमें हो सकता है फोकल लेंथ का इंक्रीज हो जाना, फोकल लेंथ किसकी, आई लेंस की, फोकल लेंथ इंक्रीज। ओके, इसका नियर पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा, इसको पास का नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसको 25 की बजाय 30 का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसका जो नियर पॉइंट है वो मोर देन 25 हो गया, कुछ भी हो सकता है 30, 35, 37। ओके, फार पॉइंट, क्योंकि इसको दूर का तो क्लियर दिख रहा है ना, तो उसके फार पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार पॉइंट नॉर्मल पर्सन की तरह इसका इन्फिनिटी हुआ करेगा, रेंज ऑफ विजन मोर देन 25 टू इन्फिनिटी, मीन्स रेंज ऑफ विजन हुआ करती है आपकी नियर पॉइंट से लेकर फार पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। करेक्टिव लेंस कौन सा यूज करेंगे, सेम टू सेम मैंने भी आपको बताया, कॉन्वेक्स लेंस में यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेज आपको पहले कन्वर्ज करनी है, क्योंकि रेटिना के बाद बन रही है उसको पहले कन्वर्ज करना है, तो करेक्टिव लेंस में यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, जो कि जिसका नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग हुआ करता है। मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि किस तरीके आप समझ सकते हैं इसको, ये लेंस हो गया, ये कॉर्निया हो गया, इमेज बन रही है रेटिना के बाद, इन रेज को पहले मिलाना है, पहले कहाँ मिलाना है भैया, मिलाना है रेटिना पे, तो रेटिना पे मिलाने का मतलब इन रेज को पास पास लाना पड़ेगा, पास पास लाने का मतलब है इन रेज को आपको कन्वर्ज करना पड़ेगा, कन्वर्ज करने का मतलब है आप यूज करोगे कन्वर्जिंग लेंस जो कि हुआ करता है कॉन्वेक्स लेंस। फिर वही बात, ये कॉन्वेक्स लेंस सुइटेबल पावर का होगा, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है कि सबके लिए एक का होगा, अलग अलग पावर का हुआ करता है। ये बात हुई हाइपरमेट्रोपिया की, तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने आज को समझाया है, थोड़ा बहुत कोशिश करिए समझाने की, वो आप लोगों के समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।